हाँ सीधा चलो पीछा अरे लाओ मत ले लेंथ के लिए अभी करता रहेगा क्या उसको? वो फिर से स्थापित होने जा रहे हैं और कई सदियों का ये संघर्ष रहा है और जिस तरफ हमारी जो संस्कृति के जैसे मैंने कहा जो जो पुरुषोत्तम है उन्हें पुरुषों में सबसे उत्तम माना जाता है जो उनका है, तो ये नई शुरुआत होने जा रही है। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है और वो मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो श्री राम है, उनका चरित्र है, एक जो कॉन्शियसनेस है, वो एक चेतना है। तो ये हमारा जो भारतवर्ष है इसमें एक नए युग की जो है वो आरंभ होने वाला है। तो हमारी खुशी की क्या हम बताएं कोई सीमा ही नहीं है, हम किस तरह से व्यक्त करें हम बताएंगे। मैं वही कह रही हूँ कि हम ये जाहिर ही नहीं कर सकते हमारे पापन बहुत ही और मैं तो बहुत राम भक्त देख सकती तो श्री राम की बहुत भक्त रामायण की भक्त कथाओं की भक्त रही और हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं है। हमारे कोई पिछले जन्मों के कोई अच्छे कर्म थे तो हमें ये दिन देखने को मिल रहा है, लेकिन सौभाग्य सौभाग्य है और ये एक लोक मूवमेंट तक है, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति विशेष की ज़्यादा भावना रही है, सारा समस्त भारत एक साथ आया है तो ये दिन आप सभी का है। जय श्री राम। कई सदियों का संघर्ष रहा है, काम नहीं करें उनको भी बोल रहे हैं तभी वो सरकार आई तो आदमी लगा क्योंकि वो राम मंदिर बनाएंगे। ये भारत की डिमांड थी, भारतीयों की डिमांड थी और उन्होंने काम संपन्न किया है और हम जो है रामलला का जो स्वागत करेंगे तो थोड़ा ना ऐसे ही चुपचाप करेंगे, हम तो धूमधाम से करेंगे, हमें कौन रोक सकता है। हम रामलला को थोड़ा ना ऐसे चुपचाप किसी कोने में आंदोलन के लिए आएंगे, धूमधाम से पूरे विश्व में जो है वो रवि भाई सबको लेके जाएंगे और उत्सव मनाया जाएगा। जिस धूमधाम से जिसको जलन हो रही है वही राक्षस है, अब देवताओं का उद्धार होगा और राक्षसों का जो है। थैंक यू गंगा जी, गंगा जी, गंगा जी एक सेकंड रुक जाइए। जय श्री राम। गंगा जी, जय श्री राम। गंगा जी, गंगा जी, गंगा जी एक बार बोल दीजिए ना, प्लीज प्लीज गंगा जी हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के गंगा जी हाथ जोड़। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।